हरे कृष्णा, हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा भगवी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा आशीष प्रभु, हरे कृष्णा। और भी जो भक्त जो है मुझे ज्वाइन किए हैं, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऑल आर वेलकम टू द प्रातःकालीन भागवतम क्लास में, जो कि हम पहले शुरू कर चुके हैं सेंटर पे। मैंने सोचा कल से कि चलो मैं अभी जितने दिन यहाँ पे हूँ तो ऑनलाइन शुरू करेंगे, ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग भागवत क्लास शुरू करते हैं। अभी 2 मिनट, 1 मिनट जय रामा करूंगा मैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंद जगन्नाथ यमुना तीरा की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो बोर्ड पे जो श्लोक मेरे ख्याल पिछले बार जो किया था हमने 12 तक किया हुआ है, देख सकते हैं बोर्ड पे। हो गया था ना, लेकिन 12 हो गया ना, 12 तक हो गया। तो हम 13 है आज श्लोक संख्या। और कल से आप ना उसमें श्लोक लिख दिया करो पहले, प्रभु जी बता दो आप। अभी तो आज तो 13वां श्लोक है, कल से 14वां श्लोक है। श्रीमद् भागवतम आप नेट पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देख के उसको लिख दिया करो, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 13। इस अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, अभी तक जितने भी श्लोक आए हैं उनमें जो नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं वो मनुष्य के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, जो कलयुग आ रहा है इसमें उनके लिए क्या श्रेष्ठ उपाय है, इसके उनके कल्याण के विषय में चिंतित हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। तो पहले यज्ञ कर रहे थे, उसके बाद जब सूत गोस्वामी जी आ गए हैं, सूत गोस्वामी से वो विनम्रता पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं। तो अभी तक उन्होंने 2 प्रश्न किए हैं, श्लोक संख्या 9 में और श्लोक संख्या 12 में। श्लोक संख्या 9 में प्रश्न था कि आप हमें सरलता से समझ में आने वाली, बैठ जाइए इधर उधर मत घूमिए जरा, श्लोक संख्या 9 में प्रश्न था कि सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र कल्याण के लिए हरे कृष्णा के लिए क्या निश्चय किया है? ये पहला प्रश्न किया नैमिषारण्य में एकत्रित शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कि सरलता से समझ में आने वाली विधि से मानव कल्याण के लिए समग्र जन साधारण के कल्याण के लिए आपने क्या निश्चय किया है? सूत गोस्वामी पूछ रहे। सूत गोस्वामी क्योंकि बहुत ही विद्वान वेदविद वक्ता हैं, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सारी भागवतम सुन के आ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जहाँ पे भी सुखताल पे गंगा के किनारे सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को ये जो कथा सुनाई उसमें सूत गोस्वामी भी थे। तो बाद में ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में आते हैं तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि उनसे जन कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो 9वां प्रश्न था कि सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें बताएं कि आपने परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। तो इस फिर वो अपने इस कलयुग के बारे में बताते हैं कि ये प्रश्न वो क्यों कर रहे हैं, सरलता से समझने वाली विधि का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी मनुष्य का जीवन है कलयुग में वो अत्यंत ही घृणित रहेगा। इस अवस्था में वो कैसे भगवत धाम प्राप्ति करेंगे, है ना। ऋषि मुनि चिंतित रहते हैं कि भी कोई भी युग हो कैसी भी परिस्थिति हो तो जीवों का कल्याण तो होना चाहिए, कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे। तो क्योंकि कलयुग के जीव जो है बड़े अधम हैं, उनके गुणों का वर्णन किया है 10वें श्लोक में कि कलयुग के किस प्रकार के लोग होंगे। उसमें बताया पथभ्रष्ट होंगे, आलसी होंगे, झगड़ालू होंगे, अभागे होंगे, हैं और सदैव विचलित रहने वाले होंगे। तो ऐसे लोगों के परम कल्याण के लिए जो शौनकादि ऋषि जो हैं प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी से। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान जो थे परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो थे नहीं दे दो गर्भ देवकी के गर्भ से जिन्होंने जो प्रकट हुए थे वसुदेव के पुत्र के रूप में, वो किस प्रयोजन से प्रकट हुए थे? दूसरा प्रश्न था उनका। पहला प्रश्न था कि आप बताइए सरलता से कि किस प्रकार परम कल्याण होगा मनुष्य का जनसाधारण का इस कलयुग में। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो देवकी पुत्र हैं वसुदेव के पुत्र जो थे देवकी के गर्भ से जो उत्पन्न हुए तो वो किस कारण से किस प्रयोजन से प्रकट हुए थे। ये दूसरा प्रश्न था जो हमने पिछले क्लास में 12वां प्रश्न आई है 12 श्लोक। अब ये 13वां श्लोक है, इसमें इस प्रकार जो हम श्लोक बोलते हैं। अगर आप अभी बोलने का पीछे समय नहीं है, लेट हो गए हैं और जूम भी बंद हो जाएगा, तो इसलिए हम सीधा पढ़ेंगे इसको। आप सुनिए और जो समय मिलेगा उसमें चर्चा करेंगे। तत् शुश्रूषमाणं अर्हसि अंग अनुवर्तितुं यस्य अवतार भूतानां क्षेमाय च भावाय च तत् न शुश्रूषमाणं अर्हसि अंग अनुवर्णितुं यस्य अवतार भूतानां क्षेमाय च भावाय च तत् न शुश्रूषमाणं अर्हसि अंगानुवर्तिनुतुं यस्य अवतार भूतानां क्षेमाय च भावाय च। ये श्लोक है, तो इसका हम अभी अनुवाद और तात्पर्य करेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक का अनुवाद प्रस्ताव है। शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। क्या कहा? वाचन यानी बोलना, सुनना श्रवण करना और आपस में चर्चा करना, कहना सुनना मतलब चर्चा करना, दोनों से ही मनुष्य का कल्याण होता है, उसकी प्रगति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। बहुत बड़ी क्वालिटी लिखी है प्रभुपाद जी ने कि वो अत्यंत निष्ठावान हो जिससे सुन रहा है तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। ठीक है, जो बोलने वाला है वो आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सुत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के मुनि ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सुत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायक है। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के लिए जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। इस प्रकार भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति सर्वदान्तिकं वंदे अहं श्री गुरो श्री उत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सगण रघुनाथं तप्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी श्री शून्यवादी पाशादेशाय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते विषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी परशुभानुसुत देवी प्रणमामि हरिः। वंशाकल्पतरु वैश्कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद की जय। नमस्कार। तो ये जो श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा तात्पर्य दिया है इसमें। यहाँ पे सुत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि जो है वो प्रश्न कर रहे हैं भगवान के तथा उनके अवतारों के विषय में, है ना। भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं और उनके जो विभिन्न अवतार हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हमें वो सब बताइए उपदेशों के माध्यम से जो पहले के आचार्यों ने बताया है। पहले के आचार्य कौन से हो गए? सुत गोस्वामी से जिन्होंने सुना सुत गोस्वामी ने, वो थे सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी और दूसरे संप्रदायों के आचार्य, है ना। फिर उन्होंने कहा क्योंकि उनके वाचन शब्द तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो यहाँ पे श्लोक में सुनने की, सुनना और बोलना, वाचन मतलब बोलना और सुनना, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अगर सुनना और बोलना अच्छा रहेगा तभी चर्चा हो सकती है। कहना सुनना तभी चर्चा हो पाएगी। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि दिव्य संदेश, जो भी दिव्य संदेश होता है, ट्रांसलेटर संदेश होता है, भगवत भगवान के बारे में जो भी बातचीत होती है ना, इन दिव्य संदेशों को सुनने की कुछ शर्तें होती है ना। श्रवण करने की क्या शर्त होती है? ऐसा नहीं है कि श्रवण ऐसे ही कर लोगे आप, कोई भी व्यक्ति। तो श्रवण करने की और बोलने वाले की, वक्ता की, श्रोता तथा वक्ता दोनों की शर्तें होती है। इसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, है ना। क्या बताया उन्होंने? श्रोता को ऐसा होना चाहिए। श्रोता के बारे में बताया है कि श्रोता में जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें ललक होनी चाहिए, है ना, पूछने की, उसमें कुछ जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, हैं? दो तीन चीजें ये हो गई, फिर पूरी निष्ठा, निष्ठा मतलब जो वक्ता है उसके प्रति निष्ठा, है ना, जो वक्ता के प्रति निष्ठा के साथ अगर वो सुनेगा तभी वो ये इस बात को ग्रहण कर पाएगा। अगर वो मन में प्रश्न ढूंढ रहा है, बना रहा है उसके प्रति, है ना, कि ये तो क्या बोल रहा है, पता नहीं, इससे अच्छा तो वो बताता है, इससे अच्छा तो वो बताता है, अगर वो इस तरह से तुलना करेगा तो उसकी निष्ठा जो है वो सही नहीं है। इसका उसमें वो क्वालिटी जो है, जिस क्वालिटी की प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जिन शर्तों की बात कर रहे हैं, कि अगर वक्ता की शर्त होती है तो श्रोता की भी शर्त होती है। श्रोता तभी अच्छा श्रोता माना जाएगा जब वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी उत्सुकता से, जिज्ञासा से, जानने की भावना से कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, है ना, इस भावना से अगर वो सुनता है तभी वो उस बात को, दिव्य संदेश को ग्रहण कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कितना भी देखते हैं भीड़ में बहुत से लोग आके बैठते हैं, कई बार बड़े बड़े भागवत कथाकार आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, लेकिन वहां भीड़ में भी देखे तो लोग बात को सुनते नहीं है, वो अपनी चर्चा में लगे रहते, अपने अंदर नहीं चर्चा करेंगे तो अपने मन से ही वो थोड़े दिन में लगे रहते, मन में सवाल जवाब उठाते रहते हैं उसके बारे में। तो श्रोता के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा है कि परम दिव्य संदेश को ग्रहण करने के लिए श्रोता जो है अत्यंत सुख होना चाहिए, उसमें लोलुपता होनी चाहिए, उसमें ललक होनी चाहिए, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी वक्ता के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से सुन सकता है, ठीक है। और दूसरी शर्त जो इस श्लोक में बताई गई है वो क्या है, वाचन की, है वाचन, वाचन यानी कि वक्ता जो बोल रहा है उसके बारे में भी शर्त है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनने श्रोता के बारे में शर्त है। तो यहाँ पे जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके बारे में क्या शर्त बताई है, क्या बताया है कि वो बोलने वाला जो व्यक्ति है, वक्ता जो है, वो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पता ही नहीं है किस परंपरा में है, उसकी दीक्षा शिक्षा हुई है कि नहीं हुई है, या अपने ही मनमाने तरीके से कुछ भी अपने विचार कहीं पे बैठ करके प्रकट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, प्रमाणिक शिष्य परंपरा में नहीं है, तो वो व्यक्ति की योग्यता नहीं है कि वो व्यास आसन पे आकर के बैठ सके। तो इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वो व्यक्ति मान्यता प्राप्त परंपरा से होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कहा है जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। अब ये बात जो है श्रोता पे लागू हो रही है, वक्ता तो है ही, वक्ता श्रोता, वक्ता तो निश्चित रूप से जब वो गुरु शिष्य परंपरा में है तो भौतिकतावाद से काफी दूर है वो, लेकिन श्रोताओं को ये चाहिए कि वो भौतिकता, भौतिक आसक्ति से अपने आप को दूर रखें, जितना भौतिक आसक्ति से दूर रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के दिव्य संदेश को समझने के लिए हमको ये बातों का बहुत जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम चिंतन करेंगे संसार का तो ठाकुर की चिंतन नहीं कर सकते। संसार का, यहाँ तो माया का चिंतन करो या उनका चिंतन करो, ठीक है ना। अगर उनके बारे में चिंतन करना है, उनका सुनना है, तो हमको जो भौतिक कार्यकलाप है वो अपने बहुत सीमित करने चाहिए। संसार में है, हरे कृष्णा हरि बोल, उबासी ले रहे हो, नींद नहीं आई क्या? ऐसा कुछ नहीं। तो हमें भौतिकता से दूर रहना है, आलस नहीं दिखाना। इसमें पिछले श्लोकों में एक आलसी व्यक्ति का वर्णन हुआ था। जो व्यक्ति आलसी होता है वो क्या है, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहता, तो दूसरी बातें सुनना चाहता है, वो उसको आलसी की परिभाषा बताइए। ये माता जी को मालूम है, रीता माता जी को पता है। तो वो भगवान के बारे में सुन करके सारे संसार के बारे में सुनना चाहता है, उसी को आलसी कहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिव्य संदेश सुनने के लिए व्यक्ति को भौतिकता में लिप्त नहीं होना चाहिए, और प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को धीरे धीरे शुद्ध होना चाहिए। क्यों जरूरी है दीक्षा? आप कह सकते हैं क्या जुड़ते हैं दीक्षा की, क्या जुड़ते हैं गुरु के साथ जुड़ने की, हम तो अपने आप ही कर लेंगे माला। अरे माला 16 माला ही तो करनी है ना, जरूरी थोड़ी है किसी गुरु के पीछे पीछे जाए हम, ऐसा नहीं। गुरु तत्व जो होता है वो एक आपको ऐसी मतलब कड़ी में बांध लेता है जिसके कारण आपकी सारी इम्प्योरिटीज है गुरु तत्व स्वीकार करता है। गुरु जो होते हैं आपकी सारी अशुद्धियां जो है, सारे अनर्थ जो है, उनको लेकर के आपको शुद्धता प्रदान करता है। बिना गुरु के कृपा के हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे अनर्थ खत्म नहीं हो सकते। ये उन्हीं का आशीर्वाद है ना, कि हमारा अनर्थ खत्म होते हैं, नहीं तो उनके बिना हमारा समस्या नहीं। आप देखो गुरु अष्टक में गाते हैं सुबह सुबह मंगला आरती में, फिर गुरु पूजा में, गुरु वंदना में गाते हैं, ये सब गुरु की ही कृपा है। सबसे पहले गुरु का ही कृपा लेनी चाहिए, गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे ISKCON में मंगला आरती जब होती है, गुरु अष्टक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हीं की स्तुति की है। संसार दावान ललिडलोका तृणाया कारुण्या घन घन तवम प्रापस्या कल्याण गुरान्नवास्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। क्या कहते हैं, संसार दावानल लीडलोका, यानी कि संसार की जो अग्नि लगी हुई है, दावानल अग्नि हमारे हृदयों में लगी है, अनर्थों की अग्नि है। संसार दावानल लीडलोका प्राणाया करुणा घना घना, यानी कि इस अग्नि को शांत करने के लिए गुरु जो है, एक गुरु मात्र जो है, इसको अपने वचनों से, अपनी कृपा से इस अग्नि को बरसात के रूप में से डाल करके इसको शांत करते हैं। नहीं तो ये जंगल की आग की तरह लगी रहती है हमेशा। ये गुरु की कृपा है, हमारी अंदर की जो अग्नि है संसार की, उसको बुझाते हैं। और ये कौन सी अग्नि है, ये अनर्थों की अग्नि है, कलेशों की अग्नि है। बिना गुरु के आशीर्वाद के हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे बताया है कि व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, उन्हीं की डायरेक्शन में हम धीरे धीरे शुद्धता को प्राप्त होते हैं। अगर आप बिल्कुल ही फ्रीलांसर घूमते रहेंगे, कोई आपको देखने वाला नहीं, आपको पूछने वाला नहीं। जैसे हमारे गले में तुलसी का पट्टा होता ना, जो 3 पट्टा, ये क्या निशानी है कि इसका कोई मालिक है। इस ये पट्टा जो बंधा ना, इसका डॉग का मालिक है। एक गली का होता है, उसको कोई नहीं पूछता, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पर शिष्य परंपरा में प्रभुपाद जी ने रहने का जोर दिया है और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सिखाई बताई। तो जब हम प्रमाणिक गुरु परंपरा में शिष्य बनते हैं, शिष्य परंपरा में जुड़ते हैं, तो ये कला हमारे अंदर विनीत भाव, श्रवण करना, ये अपने आप स्वतः विकसित होता है। सर्व समर्पण की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नैमिषारण्य में एकत्रित सुत गोस्वामी को जितने भी ऋषि मुनि हैं, ये क्यों पूछ रहे हैं, क्यों जिज्ञासा कर रहे हैं, वो इन शर्तों पे उतर रहे हैं। जैसे जो पहली शर्त बताई, जिज्ञासु होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए श्रोता में, निष्ठावान होना चाहिए। तो नैमिषारण्य के जितने भी ऋषि हैं, ये इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए पूछ रहे हैं, नहीं तो वो पूछे भी तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इनमें निष्ठा है, जिज्ञासा है, इसलिए पूछवा रहे हैं। और उसी प्रकार से सूत गोस्वामी जो है, वो भगवान के दिव्य संदेश को देने के उचित पात्र हैं। वो नैमिषारण्य में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पीछे से सुन के आ रहे हैं, गुरु परंपरा में सीखा उन्होंने। ऐसा नहीं मनगढ़ंत रूप से कहीं भी चले आए, लंपट है सुना दिया, ऐसा नहीं। तो व्यासासन पे बैठने का अधिकार किसको है, जो गुरु परंपरा में है, गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है, प्रमाणिक शिष्य परंपरा में होता है। तो अंत में इस श्लोक में ऋषि मुनि पूछ रहे हैं भगवान के जन्म कर्म, जैसे हमने जन्माष्टमी पे श्लोक बोला था, जन्म कर्म च वेद दिव्यम यो वेति तत्पता, है ना। जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को तत्व से जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। ये वचन भगवान के हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर उत्सुकता बस जितने ऋषि गुणी हैं, ये सब भगवान के आविर्भाव यानी प्रकाट्य को, भगवान कृष्ण प्रकाश, जैसे पिछले श्लोक में पूछा था ना कि उनका प्रयोजन क्या था, जो क्यों आए थे संसार में, प्रयोजन पूछा था। तो इसी प्रकार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उनका अलौकिक कार्यकलाप कैसे, जितने भी भगवान के कार्यकलाप है सब अलौकिक। अलौकिक मतलब होता है अद्भुत, जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता, अद्भुत दिव्य है ना। ऐसे कार्यकलापों के बारे में पूछना चाहते हैं। उनके विभिन्न अवतार, कितने ही भगवान के अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, है ना। तो इनके बारे में पूछना चाहते हैं, उनके जन्म, उनका जन्म और कर्म के बारे में पूछना चाहते हैं, ठीक है, उनके स्वरूप के बारे में पूछना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये ऋषि मुनि ये सब बातें जानने के योग्य है, रूपा जी बता रहे हैं, ये सब ये जानना चाहते हैं। तो एक श्रोता को अगर भगवान के बारे में या भक्ति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये योग्यताएं होना बहुत आवश्यक है। अगर ये योग्यताएं नहीं है, जैसे कि 3-4 योग्यताएं रूपा जी बताई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, लौलुपता होनी चाहिए उसमें, है ना। और जो वक्ता है उसके प्रति निष्ठा है और धैर्य भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमको अगर ये चीजें हमारी क्वालिटी आती हैं तो निश्चित रूप से हम लोग सुनने के योग्य बनेंगे। और सुन के ही गुरु शिष्य परंपरा में जब जुड़ जाएंगे तो हम भी है ना इस योग्य होंगे कि हमको भी बोलने का अवसर मिलेगा, ठीक है ना। हम भी एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। तो सुनना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये 3 चीजें। विष्णु स्मरणम तब होगा अगर हमारा श्रवण अच्छा होगा, श्रवण अच्छा होगा तो हमारा कीर्तन अच्छा होगा। कीर्तन का मतलब है हमारा वाचन, बोलना अच्छा रहेगा। और ये दोनों अच्छे रहेंगे तो हमारा विष्णु स्मरण होगा, मन हमारा भगवान का स्मरण करेगा, अन्यथा भगवान का स्मरण हमें नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सुनने का इच्छुक नहीं है, जो सुन नहीं सकता, वो बोल भी नहीं सकता। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, जब कीर्तन करते हैं हम लोग कहते हैं कि आप पहले सुनिए कीर्तन। अगर अच्छे से सुनेंगे तो आप अच्छे से पीछे बोल भी पाएंगे, क्योंकि जिस तर्ज में सुनेंगे, जिस प्रकार सुनेंगे, उसी प्रकार बोलेंगे। अगर सुनने में हमारा ध्यान नहीं है तो हमारा बोलना कभी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात को हमको गांठ मार लेना चाहिए। श्रवण की विधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग में। श्रवण से धैर्य आता है, पेशेंस आता है। जो व्यक्ति जितना धैर्यवान होगा वो उतना ज्यादा सुनने के लिए उत्साहित होगा। और जो व्यक्ति वो ज्यादा उतावला है, बोलता ही बोलता है सारा दिन है, और बोलता क्या है, अनावश्यक बोलता है। अगर आप भगवत चर्चा करते हो तो आप 24 घंटे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर वो उससे संबंधित नहीं है तो आपका एक शब्द भी बोलना बेकार है। लेकिन कुछ लोग इतने रजोगुणी होते हैं, जैसे कल मैं क्लास में बता रहा था, रजोगुणी व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं। वो अनावश्यक बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना, दूसरे का धन हड़पते हैं। ऐसे लोग होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भगवत भक्ति में टिक नहीं पाते और सुन नहीं पाते। इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो आज हम यही विराम देंगे।